जी वेलकम टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आजकल जी ट्रेनों का टाइम चल रहा है और इंडिया की ट्रेन है तो वैसे ही बहुत जबरदस्त है, तो हम ज्यादा ट्रेनों पे ही रिएक्शन दे रहे हैं अपना, और हम भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सारों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी ट्रेनें ही देखें इंडिया की कैसी हैं जी। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने लगे हैं उसका टाइटल सना आपको पढ़ के दिखाती है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें, अपनी ट्रेनों के बारे में बताएं हमें ताकि हम उसे एक्सप्लोर कर सकें सारों के साथ और शेयर करें, वो भी देखें हम भी देखें और इंजॉय करें इंडियन ट्रेन्स को। तो चलो सना टाइटल बताओ क्या है जी। तो जिस ट्रेन पर हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है स्पेशल ट्रेन जर्नी है, जो एक्सप्लोरिंग सैनिक नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी टू बदरपुर टूरिस्ट विस्टा डोम ट्रेन। तो विस्टा डोम ट्रेन पे हम लोग पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं, ये है जी गुवाहाटी टू बदरपुर का टूरिस्ट है जी जर्नी। तो चले इसको देखते हैं जी, ये स्पेशल जर्नी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है। तो चले वीडियो पे इसको प्ले करते हैं, देखते हैं अपना रिएक्शन, उसके बाद देखिए अपना रिव्यू कि हमें वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है बिल्कुल बिल्कुल। चलें लेट्स। सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करके थकान तो लग रही थी, पर जब जब मैं सोचता हूँ जाके सीट में बैठूंगा ऐसे नज़ारे आते हैं कि भाई कौन छोड़ेगा इन नज़ारों को, बताओ आप। क्या कमाल का व्यू है, देखो ऐसे नज़ारों को छोड़ के जाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है। और टनल्स पे टनल्स, ब्रिजेस पे ब्रिजेस, कमाल के नज़ारे ऐसे ही रूट पे चल रहे लगातार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसे। देखो वो पूरा रूट है अपना, ऐसे पूरा घूम के आए, नीचे वाला ब्रिज देखो आप, यहाँ से वापस गए ऊपर और फिर पूरा कर्व मार के देखो अब इस हाइट पे आ चुके हम लोग। ये सभी फ्रूट्स हैं। आज ट्रैवल करने वाले हैं गुवाहाटी से बदरपुर तक चलने वाली विस्टा डोम टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन में। भाई आज की यात्रा सीनिक होने वाली है क्योंकि आज का हमारा रूट ही लमडिंग न्यू हाफ लॉन्ग होते हुए बदरपुर वाला रूट, वैसे लमडिंग जाएंगे नहीं, बाईपास कर जाएंगे हम लोग, लेकिन भाई रूट तो काफ़ी सीनिक है। आज का मेरा टारगेट ही है कि आपको एक सीनिक रूट दिखाया जाए। गुवाहाटी वैसे फेमस है ब्रह्मपुत्र माता के लिए, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है वो, जो कि महाविशाल का है। और इतना ही नहीं, यहाँ का एक सिंह वाला राइनोसोरस वो भी काफ़ी फेमस है। सरई घाट के पुल के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। कामाख्या माता के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब स्टेशन को आप बाहर से देखोगे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, अंदर घुसते हो कल्चरल हेरिटेज के लिए कितना रिच है ये आप देख सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन के बारे में बात की जाए ना तो ये गुवाहाटी से 6:45 खुलती है। बाकी का डिटेल आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा, किराया कितना लगा, रूट क्या है, कैसी चीज़ें हैं। एक कमाल की चीज़ मुझे लगी, बहुत छोटी सी प्यारी सी ट्रेन है यार। देखो एक लोकोमोटिव, यहाँ पे तीन कोच एसी चेयर कार के, फिर लास्ट में अपना विस्टा डोम कोच। बहुत ही छोटी सी ट्रेन है यार, मतलब कोई बहुत लंबी ट्रेन नहीं है। चलिए आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं। पहले रहने वाला आज का अपना स्पेशल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव जो हमें आज के अपने पूरे रूट में लेकर के जाने वाला है। फेस्टिवल है वो जो शुरू हो चुका है एक महीने के लिए, उसका उत्साह पूरे असम में देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा जल्दी आया था क्योंकि मुझे बिहू भी देखना था। एक भाई भी मिल चुके हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवा। देवा, और कैसा लगा, मतलब इस ट्रेन को क्यों चुने आज? अरे थोड़ा छुट्टी मिला तो। बिहू की वजह से? हाँ बिहू की वजह से। अच्छा अच्छा, तो पूरा बदरपुर तक? नहीं हाफलोंग तक। हाफलोंग घूमने जाओगे? हाँ। आप कहाँ तक? मैं पूरा बदरपुर तक। देखो भाई भी हाफलोंग तक जा रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, कमाल की जगह है, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी इंडियन रेलवे द्वारा लास्ट ईयर। शुरू करने से पहले एक चीज़ मुझे दिख गई थी, वो मुझे लेनी थी, ये था ये टेंडर कोकोनट का जूस, इसमें नज़र थी अपनी, ये ले लेते हैं चलो।
में ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई कहाँ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ प्लेटफॉर्म में वेट कर रहे थे। देखो अभी भी आ रहे हैं वहाँ पे, लास्ट में एक ट्रेन खड़ी हुई है, रेक खड़ा हुआ, सबको लगा ये जाएगी तभी ये ट्रेन लगाई जाएगी, पर ऐसा नहीं है, एकदम एंड में प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है टुवर्ड्स लामडिंग, आप लोग देख लो, छोटी सी ट्रेन ना इसे लोगों को पता नहीं चलता, इस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। बहुत सारे लोग वहाँ वेट करते हैं, अभी कह के आए हूँ, लोग भागते हुए वहाँ पर आ रहे हैं अभी। देख लो एकदम लास्ट कोच से कुछ ऐसा लगता है जब ट्रेन खुलती है, तो भाई यही मज़ा है विस्टा डोम कोच का कि आपको एक विंग गैलरी मिल जाती है अच्छी खासी, जहाँ से आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो, इसलिए सूट पे इसको चलाया गया क्योंकि काफ़ी सीनिक रोड है। अभी ट्रैक चेंजर देखो आप लोग कैसा होता है, बाकी ट्रेन का इंटीरियर आप लोग देख लो, जैसे कि आपको बताया कि ग्लास विंडोज़ वाला कोच है, ऊपर भी रूफ आप देख लो, कमाल का एक सा लुक है जो वो दिया गया है, तो यहाँ पे अपनी सीट भी है, बाकी सीट के फीचर्स आपको आराम से दिखाएंगे। व्यू आपको कुछ ऐसा मिलता है, उसके बाद आप लोग लगेज का स्पेस देख लो, मैं थोड़ा उल्टा दिखा रहा हूँ ताकि आपको फीचर समझ में आए कि आपको लगेज वगैरह वहाँ लेकर के नहीं बैठना है। जैसे आप यहाँ पे डोर पे एंटर करते हो ना नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे लगेज स्पेस मिल जाएगा, उसके बाद जो बैठने के स्पेस है वो दिया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वॉशरूम वगैरह दोनों तरफ है, उसके आगे जनरेटर का आ रहा है इस वाले रेक में, जिसके आगे आगे कोचेस से कनेक्टेड नहीं, तो भाई इसे खोल के हाथ बंद निकालने की कोशिश मत करना। कैसा लगा नया कोच है, थोड़ा मेरे को पहले से नया लग रहा है वाला, काफ़ी नया लग रहा है, मतलब ये पूरा ऊपर का जो वुडन वाला टेक्सचर दिया है ना, मस्त लग रहा है। बाकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी आपको ये मिल जाएंगे सीट के पास ही आपकी, और टेबल्स वाला यहाँ से खाने के निकल जाएंगे। बॉटल होल्डर देख लो, ये थोड़े नए नए फीचर्स लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ पड़ रहे हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेग स्पेस अच्छा खासा है यहाँ पे, से लेग रेस्ट भी देख लो बढ़िया यहाँ पे दिया गया है, ऐसे आप मजे से ऐसे रख के रेस्ट कर सकते हो अपनी जर्नी के दौरान। बाकी सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी है, बाहर भी लगे हुए हैं, टॉयलेट के इंडिकेटर आप देख लो यहाँ पे, टॉयलेट के इंडिकेटर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई भी दिक्कत कोई लगता नहीं इस कोच में होने वाली है, लेकिन वैसे ही आपसे फेयर भी लिया जाता है, फेयर हमें पड़ा है वो है 1340 रुपीज़ सड़ोम कोच का। अगर इसी चेयर कार की बात की जाए तो उसको 495 रुपीज़ का फेयर लगता है, लेकिन इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है शताब्दी की तरह, तो बाकी चीज़ें आपको खुद खरीदनी पड़ेंगी, इसलिए पानी खाने की व्यवस्था आपको करके चलना चाहिए। लेकिन ट्रेन में भी अवेलेबल है स्नैक्स आइटम, सब जो आएगा वो रिव्यू करेंगे आपके लिए, और ऐसी जर्नी को आप लोग मेरे साथ इन्जॉय करिए सड़ोम कोच। ये एरिया में घर वगैरह देखो कैसे हाइट में बने हुए हैं, क्या मस्त लगता होगा यहाँ पे, बट क्रिकेट खेलने में बहुत दिक्कत होती होगी इनको यहाँ पे मैदान ढूंढना पड़ता होगा प्लेन पिच यहाँ पे, बट व्यूज काफी अच्छे हैं यहीं से ही देखो। भाई अपने ट्रे जो है उसे निकाल लिया जाए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होती है, चाय दो चाय कर दीजिए। बाकी ट्रेन की चाय जो है
मतलब नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद मुझे लगता है मेरी अब तक की सबसे बढ़िया चाय है। मतलब लाल चाय वगैरह तो बहुत मिली है हमें ट्रेन में, वो मुझे पसंद भी है एक्चुअली, बट अगर दूध की चाय की बात की जाए तो ये मेरी अब तक की सबसे बढ़िया चाय है, अच्छी बनाई है। पता नहीं इसके चार्जेस क्या है, मतलब भैया ने मांगे नहीं, बाकी ये काफ़ी अच्छी लगी। और अभी आज का हमारा जो रूट है ना, उसमें हम लोग लमडिंग नहीं जाएंगे, उसे बाईपास करने वाले हैं, और जो रूट रहेगा वो आपको दिखाएंगे। लेकिन नज़ारे जो अभी से ही काफ़ी अच्छे लगने लगे, मैं पहली बार गुवाहाटी से जो आगे का सेक्शन है ना उसे डे लाइट में देख रहा हूँ, हमेशा वरना वो रात में ही गुजरा हम लोगों से ना। गुवाहाटी से लमडिंग वाला सेक्शन अभी से ही अच्छा लग रहा है, बाकी हाफ लॉन्ग का एक्साइटमेंट तो एक अलग ही लेवल का है। क्रॉसिंग का जो व्यू है वो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। बाकी अगर सीट्स की बात की जाए ना तो ये रोटेटेबल होती है, वैसे हमने आमने सामने कर लिया, पर ये दूसरे की सीट है तो अभी पीछे की ओर करने जा रहे हैं। संदीप भाई यहाँ पे देखो प्रेस करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद हम इस सीट को ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की तरह सीसो खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं एकदम से। हाँ लेकिन अगर अपने दो लोग इस तरफ हैं तो चार लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं जर्नी के दौरान। कर्टन्स वगैरह के फीचर दिए गए हैं, सौरभ इसे खेला था काफ़ी देर से मैंने देखा तो बाकी ठीक, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो खाना है ना ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस नहीं है। बाकी एनी वेज देखने में काफ़ी सही लग रहा है, सैंडविचेस फ्रूट जूस ये चीज़ें सबका जो रेट है वो आपको आगे चल के इस वीडियो में देखने को मिलेगा, एंड तक देखिएगा मज़ा बहुत आने वाला है। ट्रेन का व्यू काफ़ी कमाल का, अपना डीजल रूट शुरू हो चुका है, यहाँ पे खाने की थालियाँ लेके हम लोग यहीं आ गए। सैंडविच बहुत ही बढ़िया थी यार जो इसमें मिली है, साथ में कटलेट संदीप भाई ने ट्राई की है, कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल जैसे, मतलब बहुत कुछ बना नहीं अंदर लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बंगाल में तो स्पेशल देखो आपको इसमें ग्राउंडनट वगैरह देखने को मिलेगा, एकदम समोसे वाली स्टाइल का लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा। बाकी वैरायटी देख लो आपको यहाँ पे बनाना मैंगो जूस ये सभी चीज़ें मिलती हैं, ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है फिर भी, पर ये चीज़ जो है ना वाकई में वर्थ बनाई, देख लो आप लोग इसके अंदर मेयोनीज़ वगैरह भरी हुई है, स्वाद काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे सामने लमडिंग रेलवे स्टेशन जाने वाली जो लाइन है वो हमसे अलग होती है, क्योंकि हम लोग लमडिंग रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे हैं, वरना हमें रिवर्सल लेना पड़ता। हम लोग सीधा बढ़ रहे हैं अभी माई बगान रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ से मेन रूट जो अपना जो सीनिक रूट है वो शुरू होने वाला है। जो गाड़ियाँ अगरतला बदरपुर वाले रूट से आती हैं वो सीधा यहाँ से निकल जाती हैं लमडिंग रेलवे स्टेशन के लिए। हो रहा है और ट्रेन हमारी जब से सुबह चली अब तक कोई स्टॉप नहीं है, पहला स्टॉप इस इधर 10:40 के आसपास है, माई बगान रेलवे स्टेशन ऐसे कुछ नाम है, वहाँ एक्चुअली मेन टनल्स रूट्स बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, फिर वहाँ के ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं वहाँ का वेट कर रहा हूँ कब वो आए कब आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे व्यूज तो कमाल के हैं, लेकिन मॉनसून का इंतजार था जो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया था, और पीछे से कुछ ऐसा भी दिखता है। और अभी एक टनल भी आने वाली है यहाँ पे,
टाइम का जो पुल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रूट है काफ़ी सही है, बस पानी और मानसून की थोड़ी सी कमी यहाँ पे आजकल रही है। अपना विस्टा डोम पहुँच और अभी हम लोग पहुँच के अपने पहले हॉल्ट माई बॉन्ग पे। देख लो यार बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ आते आते हम लोगों ने 234 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। बाकी गाड़ी का खाना वगैरह तो बढ़िया ही था आपने देखा। हाँ थोड़ी बहुत धूप है यहाँ पे, मानसून जो है वो अभी आया नहीं है, पोपट हो गया अपना मानसून। सोचा था हमने आ जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर बहुत जल्दी आया था और लैंडस्लाइड वगैरह ना जाने क्या क्या देखने को मिला था, तो इस बार थोड़ा तैयारी ज़रूरी है। सिग्नल भी है जो डिपार्चर का वो हो चुका है। भाई 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेन को रोका नहीं गया है, एकदम शताब्दी वाली फीलिंग आ रही है कि जल्दी पहुंचती है, जल्दी रुकती है और निकल जाती है भाई यहाँ से। किसी भी स्टेशन में ज़्यादा देर ना रुकना है, एकदम शताब्दी वाली वाइब दे रहा है इस ट्रेन का। बट अच्छी बात है कि इसमें डायनेमिक किराया नहीं दिया जा रहा है पैसेंजर्स से। नहीं होता वो तो क्या लगता हो गए पर दिख रहा है शायद कि अब हम लोग वहाँ से जाएंगे क्योंकि ट्रेन यहाँ से धीरे धीरे ग्रेडियंट चढ़ रही है। गए तो ज़रूर आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ से कैसा लगता है। वो अभी अभी हम लोग जस्ट यहीं से चढ़कर आ रहे हैं, देखो काफ़ी हाइट हमने अटेन कर ली है। इसके बाद वो ब्रिज देखने को मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो यही वो ब्रिज है नीचे वाले ट्रैक से अभी आप देख रहे थे, उससे भी नीचे वाला जो ट्रैक है वो वहाँ पे देख लो आप। वहाँ से हमने शुरू किया, एक एस कर्व मारा ऐसे, देखो ये कर्व, फिर वापस गए ऊपर की ओर, फिर यहाँ से चढ़ाई चढ़ के देखो इस ब्रिज पे आए हैं। ये है सूट की खासियत, ये चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इस रूट पे ट्रैवल करते हो तो। वो पूरा रूट है अपना ऐसे पूरा घूम के आए, नीचे वाला ब्रिज देखो आप, यहाँ से वापस गए ऊपर और फिर पूरा कर्व मार के देखो अब इस हाइट पे आ चुके हम लोग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसमें मतलब कोई दो राह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ही कहें यार मज़ा आ गया। अमेजिंग कर्व, अमेजिंग रूट।
लिंचर गुवाहाटी एक्सप्रेस, लिंचर गुवाहाटी फास्ट पैसेंजर के पास। ये चीज़ देखकर के अच्छा लगा कि फास्ट पैसेंजर, लेकिन इसमें एसी कोचेस भी हैं, स्लीपर कोचेस भी हैं, और स्लीपर कोचेस खाली खाली से भी हैं, भरे भरे एकदम आगे तरफ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इसमें। देखा ही खड़ी चढ़ाई है जिसके लिए बैंक का लोगों को ट्रेन में लगाने पड़ते हैं। एक बार आप देखो माहूर रेलवे स्टेशन बना कहाँ पे था, क्या व्यू रहा होगा, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन कर भरते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ ऐसा ही रूट आपको देखने को मिलेगा, और मानसून में तो भाई वाकई में जन्नत हो जाता है रूट। साहब क्या रूट था यार, क्या ब्रिज था, वो मज़ा आ गया। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, उससे पहले ही दियांग रिवर देखी, चौकन्ना रह गया। हाफलॉन्ग में अराइवल देखो, क्या गजब का रेलवे स्टेशन है, पहाड़ों से घिरा हुआ, एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। देखे गए रेलवे स्टेशनों में से खूबसूरत रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में ये रेलवे स्टेशन ज़रूर रहने वाला है, वाकई में बहुत सुंदर है। काफ़ी सही लग रही है कि यहाँ पे स्टेशन में लोकल स्टॉल्स लगे हुए हैं लोगों के, यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे हैं। पपाया ले सकते हैं, ये सभी फ्रूट्स यहाँ रेलवे स्टेशन में अवेलेबल, पता नहीं से कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये देखो हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन, गजब का सुंदर रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। लास्ट ईयर यहीं पे आप कह सकते हो बाढ़ जैसी आई थी, पूरा रेलवे स्टेशन डूब गया था, एक ट्रेन पूरी फंस गई थी, 6 महीने तक ये रूट बंद रहा था, इतनी भयंकर बारिश हुई थी, इतनी भयंकर बाढ़ जैसी आई थी यहाँ पे। तो जो जंगल का फल है ये अभी हमारे हाथ में, ये केवल 20 रुपये का पड़ा है अपने को, देखते हैं भाई इसका स्वाद कैसा है। देख लो अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी रेलवे स्टेशन से, मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। ये देखो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ पे आते हो न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन को देखते हो। मैंने लास्ट टाइम, या आपने सबने देखा होगा कैसे रेलवे स्टेशन ये डूब गया था लास्ट टाइम,
पूरा यहाँ से पानी बह करके आया था, भर भर के यहाँ पानी पूरा मतलब भर गया था यार पूरा स्टेशन में। ट्रेन डूब गई थी कंचनजंगा थी या कौन सी थी, लोकोमोटिव बह रहे थे, इतना ज़्यादा बहाव था, इतना ज़्यादा मलबा नीचे आया था। देखो कैसे वहाँ पे कटाव आज भी बने हुए हैं, पर वाकई में वर्थ विजिटिंग लोकेशन है, वर्थ विजिटिंग ट्रेन है ये। मानसून में तो और अलग ही लेवल की जन्नत वाली एक्सपीरियंस होगी इसकी। पहले हम सबने ट्राई किया भाई, कैसा लगा? बहुत खट्टे हैं, आमला जैसा टेस्ट लगा मुझे। हम मेरे को दुश्मनों के दांत खट्टे करने तो खिला दो। इमली का बाप है ये, प्योर आमला जैसा है, बहुत खड़ी चढ़ाई है जैसे कि आप जानते हैं, तो इस ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव की भी जरूरत है। वाओ, WDG 4G ट्विन्स। हाफलोंग से पहले एक बढ़िया सा रेलवे ब्रिज और हाफलोंग के बाद एक टनल, तो भाई ये है न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन की खूबसूरती। हाफलोंग के बाद वाली टनल अब तक की मेरी सबसे लंबी टनल थी भाई आज की, लगता है 4-5 किलोमीटर लंबी तो होगी, इतनी देर से रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करके थकान तो लग रही थी, पर जब जब मैं सोचता हूँ जाके सीट में बैठूंगा ऐसे नज़ारे आते हैं कि भाई कौन छोड़ेगा इन नज़ारों को, बताओ आप क्या कमाल का व्यू है। देखो ऐसे नज़ारों को छोड़ के जाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है, और टनल्स पे टनल्स, ब्रिजेस पे ब्रिजेस, कमाल के नज़ारे ऐसे ही रूट पे चल रहे लगातार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसे। मॉनसून में तो अलग ही लेवल की इसमें एक्साइटमेंट होती है। व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा, और अभी हमारे नसीब में पानी की बूंद भी नहीं है, यहाँ पर मानसून आया नहीं है अभी। पर कोई नहीं, वादा है आप लोगों से इस साल के मानसून में आप लोग इस रूट को बहुत बार देखोगे, क्योंकि मुझे रूट अब भाग गया है, बट रूट में आना मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए।
यहाँ पहुँचूंगा ज़रूर मैं मानसून में, और जब पीक मानसून होगा तब। थाली है ना अपने को 120 रुपए की पड़ी, और साथ साथ जो सुबह वाला जो ब्रेकफास्ट था ना वो भी 120 का ही था। अगर उसमें आप अंडे का ऐसा ऑप्शन लेते होगे तो 130-140 वाला रेट जो है वो लगने लगता है गाड़ी में। बाकी देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेन बात ये है नॉर्थ ईस्ट आने के बाद वेज खाने की काफ़ी दिक्कत हुई थी, उस वजह से अगर इसके लिए 150-200 भी मांगते हैं तो हम लोग कुछ कुछ देते बिना मना किए, क्योंकि वेज वालों को तो बहुत ही दिक्कत हुई थी। और यहाँ पर हाफ लॉन्ग से ले गए फ्रूट सौरभ भाई के लिए, और कोकोनट वाटर, भाई समझ सकते हो कि सीधी तबीयत ख़राब है भाई की। बाकी भाई सब्जी टेस्ट कर लीजिए, मेन तो ये बस रोटी नहीं मिली इस बात का थोड़ा दुख है, पर सह लेंगे वैसे तो मिला। नेक्स्ट लेवल स्पाइसी है यार सब्जी, आलू भुजिया है अपने पास, दाल भी है, एक मिर्चा दो मिर्चा आप समझ जाओ दाल, सब्जी बहुत बढ़िया बनी, मज़ा आ गया, स्पाइसी है बस। मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं झेल लूँगा, जो लोग नहीं खा पाते उनको दिक्कत होने वाली है। बहुत बढ़िया खाना है, सब रिकमेंडेड है गाड़ी का आइटम। इन लोगों का भी खाना पीना बढ़िया चल रहा है, मज़ा आएगी नहीं खाने में, एकदम से सिंपल दाल रहे सबसे बेस्ट लगेगा। पहाड़ ऐसे से गिर रहे हैं तो मानसून में क्या ही होता होगा। अभी चाय इतनी अच्छी थी ट्रेन की, हम लोगों ने फिर से बनवा ली, क्यों संदीप भाई ट्रेन सब क्रॉसिंग भी हो रही है। अच्छा कंचनजंगा है ये, और चाय व्यू और ये गैलरी और ये ट्रेन के साथ क्रॉसिंग अपनी, तगड़ा कॉम्बो है यार। यही है ट्रेन जर्नी नॉर्थ ईस्ट की, वाह। सब लोग ये व्यू मिस नहीं करना चाहते हैं यार, एक्चुअली में इटली वर्थ जर्नी है ये, मज़ा काफ़ी आ रहा है। बैंक का लोकोमोटिव भी देखो, इसमें सिंगल लगा हुआ है, लेकिन ये जाएगा लामडिंग तक साथ में ट्रेन के, मैंने देखा है ट्रेन को शाम में वहाँ पे, लामडिंग तक ये जो बैंक का लोकोमोटिव साथ ही साथ जाता है ट्रेन में। भाई ये कौन सी नदी इतनी बड़ी थी, हम लोग बैठे हुए थे बदरपुर के, थोड़ा पहले नदी देखने को मिली है, वाव। मीटर गेज का सामने पुल भी है, अंग्रेजों के जमाने का पुल यहाँ पे है अभी भी, ये देखो भाई पूरे रिमेन्स अभी तक है पूरे ब्रिज के, मुझे लगता है बदरपुर आ गया एक्चुअली। फाइनली यहाँ पे 340 किलोमीटर की दूरी तय की है, 220 पे अपनी गाड़ी बदरपुर जंक्शन पहुँच चुकी है।
तो फाइनली समय से पहले आ चुके हैं बदरपुर जंक्शन। यहाँ से एक लाइन गई हुई है अगरतला के लिए सीधा, और पीछे जो आपने देखा वो है सिलचर वाली लाइन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, पर वादा है मॉनसून में ज़रूर मुलाकात होगी। और केवल इस रूट से नहीं, अगरतला का रूट भी, सिलचर वाला रूट भी, एक कॉम्प्लीमेंट्री रूट भी, सभी चीज़ आपके लिए कवर करेंगे मॉनसून में। फिलहाल गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रूट में मज़ा हमें तो बहुत आया। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और बेस्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन क्या लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में। यहाँ हम लोग रुक नहीं रहे, सेम ट्रेन से वापस जा रहे हैं। 3:15 ट्रेन वापस होती है वीक में, वेडनेसडे एंड सैटरडे ये ट्रेन गुवाहाटी से बदरपुर के लिए आती है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, मॉनसून का टाइम बेस्ट रहेगा, ये दिन ये बेस्ट रहेंगे। बाकी नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। ले जी खत्म हुआ हमारा टूर, बहुत ही जबरदस्त थी, सबसे जबरदस्त वो ग्लास जो ऊपर से आप देख सकते हैं आसमान पर, साइडों पे भी इतना बड़े बड़े ग्लास इन्होंने लगाए हुए हैं। ये अच्छा मतलब एंजॉय तो करें, इतने बड़े बड़े ग्लास लगा के 2-3 सीटें एक ही ग्लास में एडजस्ट हो जाती है। विंडो ग्लास जो लगे हुए हैं ना, बाहर से व्यू देख सकते हैं। मैंने पिछले भी वीडियो बनाई थी विजडा डोम पे, इसी ट्रेन पे बनाई थी, बैक का व्यू मैंने उसमें बताया था, बैक का व्यू भैया जी ने बनाए थे। बड़ी फनी से उन्होंने कहा था, ऐसे लगा जैसे वाकई किसी ने स्क्रीन चलाई होती है। ये स्पेशल वीडियो वो थी कि इसमें गुवाहाटी वगैरह का जो खूबसूरत व्यू था ना बदरपुर तक का, वो स्पेशल वो दिखाने वाला इसके अंदर था। ट्रेन तो में तो हमने पहले रिएक्शन दिया हुआ है, वो ये कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट तो और ऐसे व्यू ना हो तो क्या ना, बहुत जबरदस्त है वगैरह। और सीट घूमने वाली चीज में वो मुझे बहुत पसंद है यार, फैमिली हो ना, आप सामने सामने बैठ जाते, फैमिली हो दोस्त वगैरह हो, पीछे बैठने हो बंदा थोड़ी देर कोई बात नहीं करके उठे, ओ भाई की है खाना नहीं ठीक है, वो पाँव से ऐसे दबाए और करें। उसके बाद हर ट्रेन में सॉकेट वगैरह होता है, लेग स्पेस वगैरह काफी अच्छी होती है, और सीट फुट रखने वाला भी, फुट चार्जिंग के लिए भी बना हुआ है। टनल तो बहुत आ रही है, इनको ब्रिज कितने ज्यादा है, लास्ट में ब्रिज आ रहे थे 209 ब्रिज नंबर 209 फ्रूट सब खाया, पानी फल लगा रहा था हमारे यहाँ पे, ऐसे जब पानी फल होता है इतना मीठा होता है ना कि खुश अंदर से होता है, ऊपर तालू पे लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ना सेम वही शक्ल थी, लेकिन ये खट्टा कह रहे थे, इमली का बाप क्या, हाँ इमली का भी ये बाप है। पता नहीं अब इंडिया में कोई ये फ्रूट वैसा ही होगा, लेकिन खट्टा खट्टा ना, शायद कच्चा ना हो, ये कच्चा भी हो ये होता है कि खुश्क होता है बहुत ज्यादा, मुंह गला खुश कर देता है, और अगर मीठा हो नरम हो ना ये तो इतना मीठा हो, इतना मजे का होता, ठंडा ठंडा नरम के छिलके तार के अंदर से खाते, ये तो ऐसे कच्चा ही खा रहे थे ना, पानी फल काटते अंदर से वो बड़ा मीठा सा, पता नहीं वहाँ क्या कहते हैं इंडिया में, होगा लाजमी है जाहिर बात होगा। तो ये तो कोई और ही चीज थी, खट्टी सी है ना, इंडिया में वैसे भी ज्यादा खट्टी चीजें लाइक करते हैं लोग, है ना, खट्टी चीजें होती है, इमली वगैरह क्या कुछ बना रहे होते हैं। तो बहुत ही मजे की ट्रेन थी, और आप लोगों ने कमेंट करके कहा आप लोगों को ये सारा व्यू कैसा लगा, ऐसी ट्रेनें हो टूरिस्ट वाली और व्यू इतने खूबसूरत आ रहे हो, चाहे वो 10 घंटे की जर्नी हो चाहे वो 20 घंटे की हो, इंसान इंजॉय करते जाता है, लेकिन पे करना पड़ता, इस पे पे करना पड़ा। क्यों भला, ये आम रूट पे नहीं ना जा रही थी वो जो मुसाफिर वगैरह होते, ये आप लोगों की टूरिस्ट ट्रेन थी जी, आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं वहां पे भी तो पैसा लगाना है ना, तो खाने पीने पे भी लगाए जी पैसे की चीजें ले, वेज ले नॉन वेज खाना ले, कॉफी ले जो दिल करता ले, कटलेट भी थे और सैंडविच ले लें, कॉफी ले लें, चाय ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो चले उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल हमें रखें, ओके जी बाय बाय।